नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर के कुछ खास खबरों के साथ। बड़वानी, दरअसल पिछले दिनों हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बड़वानी जनपद की ग्राम पंचायत कसरावद में जीत कर आए नवनिर्वाचित सरपंच और पंच अभी तक पदभार ग्रहण नहीं कर पाए हैं। सरपंच और पंचों का कहना है कि ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा अभी तक उन्हें चार्ज नहीं दिया जा रहा है, साथ ही पिछले 8 वर्षों का लेखा जोखा मांगने पर आनाकानी की जा रही है। कई बार सचिव शपथ के लिए बुलाकर गायब हो जाते हैं और पंचायत का कोई भी कार्य नहीं किया जाता है और बीमारी का बहाना करके मेडिकल पर चले जाते हैं और न ही फोन उठाते हैं। आम जनता से दुर्व्यवहार किया जाता है। सार्वजनिक शौचालय में ताले लगा दिए गए हैं। गांव के ग्रामीण परेशान हैं। चुनाव के बाद अभी तक 50,000 रुपए की चपत लगाई है। 16,340 रुपए कोरोना के समय का मकान कर वसूल किया गया था, वो अभी तक पंचायत के खाते में पैसा जमा नहीं किया गया। हमेशा सचिव द्वारा हर धर्मिता की जाती है, ऐसे में ग्राम पंचायत की आगामी योजनाओं पर अमल नहीं हो पा रहा है, जिसे लेकर नवनिर्वाचित सरपंच और पंचों ने सचिव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भ्रष्टाचार के कई आरोप भी लगाए और कहा कि यदि उन्हें जल्द ही चार्ज नहीं दिया जाता है तो पंच और सरपंच सभी मिलकर पंचायत के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं ग्राम पंचायत के सचिव जगदीश पाटीदार ने बताया कि नवनिर्वाचित सरपंच द्वारा लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं, सभी कार्य पारदर्शिता से किया गया है। वहीं मेरे कार्यकाल का जो लेखा जोखा था वो मैंने सरपंच को दे दिया है, पुराने सचिव के कार्यकाल का लेखा जोखा मेरे पास नहीं है, वो जैसे ही मुझे मिलेंगे मैं वो भी दे दूंगा। और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है, टीएस्टीमेट के आधार पर खर्च हुआ है, उनका मूल्यांकन करना अभी बाकी है, वास्तविक खर्च है वो क्लियर नहीं हो पाया है। एमपी न्यूज कास्ट, जिला ब्यूरो चीफ धमेंद्र केवट। हम गांव वाले बहुत परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ। इसके हमारे और कोई नेम पूछे तो नेम भी नहीं बताता, कब तारीख मीटिंग लगती जनपद में ये भी नहीं बताता, क्या तारीख है ये भी नहीं बताता है। और अगर आम जनता सवाल करती है, कोई जानकारी मांगते, बोले तू कौन होता पूछने वाला, ऐसा बोलता। और इसने चुनाव के बाद अभी तक 50,000 की चपत लगाई इस पंचायत में, है ना, बिना सरपंच के किए। 16,340 रुपये तो इसने हमारे पहले कोरोना में बिल भराया था, मकान कर लगाया था, उसके इसने अभी तक पंचायत फंड में नहीं डाला। और हम कहते हैं वो 1400 रुपये रसीद काटी मिलता है, पेंटा वाले का 2000 शपथ लिए उसने, तो बोले ये पैसे देने के नहीं है, बोले तो ये पैसे 16,000 इसको चलाने के, कितने इसको कितने अधिकार दिया है। 16,340 रुपये अभी तक इसने जन पंचायत के खाते में नहीं डाला, इसको अधिकार है क्या पैसे चला पास में रखने का। हमको तो एक ट्राली मुरुम डाल दे तो बोले ये नहीं मुरुम नहीं डाल सकते, एक ट्राली पैसे किसी काम के नहीं है, बोले ये सिर्फ पंचायत के खाते में है, तो पंचायत के खाते में इसने पैसे क्यों नहीं डाले अभी। और रसीद कट्टा भी अभी तक नहीं एक लाया उसने, 11,000 की रसीद कटी हुई, 4,500 की एक कटी हुई और एक रसीद शायद और भी 11,000 की रसीद भी कट्टे भी गायब करता है। चार्ज के लिए कितना परेशान हो गया? चार्ज के लिए सर मैं बहुत परेशान हूँ, 4 महीने से जनपद सीओ के पास भी आ रहा हूँ, जिला पंचायत सीओ से भी गए, फिर अभी परसों तरसों रोज हमने एडीएम साहब से भी मिला, उन्होंने कहा चार्ज क्यों नहीं दे रहा। इसके तले इतना अंधेरा है कि सर बात इसके हाल की जी, वो अभी बात करेंगे हम, रिकॉर्ड तुम देखो तो तुम्हें देख लो क्या है। हम ज्यादा वैसे ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, हालांकि पुराने रिकॉर्ड देखे, पुराने रिकॉर्ड इसमें ना तो केस बुक सही ढंग से लिखी हुई है, ना बिल वाउचर अभी तक नहीं लगा है इसमें, और कहीं केस बुक पे ना तो सरपंच की साइन है ना मंत्री की साइन है, कैसे कैसे पंचायत चला। मैं जब जीत के हाथ है एक रजिस्टर तक नहीं इनके पास, एक रजिस्टर नहीं इस पंचायत के अंदर, तो ये पंचायत है कि क्या है सर। वैसे मैंने जो मेरे कार्यकाल का जो चार्ज था वो सरपंच साहब को मैंने अगस्त से मैं आया उसके कार्यकाल का था, अभी तक का वो मैंने उनको 5 मई तक का जो लिखा हुआ था केसबुक वहाँ तक का मैंने उनको दे दिया था। और पूर्व का रिकॉर्ड सरपंच साहब मांग रहे थे तो मेरे को पूर्व सचिव द्वारा अभिलेख प्राप्त नहीं हुए थे तो मैं मना कर दिया, भाई अभी तक मेरे को अभिलेख नहीं है तो जैसे मिल जाएंगे वैसे दे दूंगा। तो 30/9/2022 को अभी मुझे पूर्व सचिव द्वारा ग्राम पंचायत में अभिलेख प्राप्त हुए हैं और अभी ग्राम पंचायत में रखे हैं। भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, पाइपलाइन निर्माण और अरंजा निर्माण जैसे शौचालय में नहीं, भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा है वो निराधार है, टीएस एस्टिमेट के आधार पर खर्च हुआ है और अभी उसका मूल्यांकन करना भी शेष है, वो वास्तविक जो खर्चा जो है वो अभी क्लियर नहीं हो पाया है, जैसे ही वो मूल्यांकन और सीसी जारी हो जाएगा उसके बाद ही मैं बता सकता हूँ क्या। नई जो टीम बनी है इसको कब तक चार्ज दिया जाएगा?
चार्ज तो उन्होंने दे दिया और यहाँ रखा है। पूर्व सचिव को मैंने बोला भी था कि सरपंच साहब के सिग्नेचर करवा लो, उन्होंने बोला है सरपंच साहब ने बोला है कि मैं आके ना साइन कर दूंगा, तो इसलिए वो ग्राम पंचायत में प्रभार पूरा रखा हुआ है।